बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए राज्य सरकार की बनाई गई नई शिक्षक नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से 29 अगस्त तक जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश के वी कृष्ण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुबोध कुमार के दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सनी का रुख कर लेते हैं। सनी, 29 अगस्त तक के लिए सरकार को राहत या यूं कहें कि अब मुसीबत है, जवाब देना होगा कि आखिर नई शिक्षक नियमावली से दिक्कत क्या है। देखिए, सरकार को तो 29 अगस्त तक राहत है। इसमें जो है नियमावली को निरस्त करने, रोक लगाने की बात कही गई थी। कहा गया था हाईकोर्ट में कि इस नियमावली पर रोक लगा दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हाईकोर्ट ने सरकार से भले ही जवाब मांगा है, लेकिन जो दलील दी गई है याचिकाकर्ता के वकील के द्वारा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल समानता के अधिकार का हनन है। किसी विद्यालय में एक ही शिक्षक हैं और वो भी वेतन असंगति से जूझ रहे हैं, तो ये कहाँ से उचित है। शिक्षकों ने ये सवाल खड़ा किया है कि 2003 से 23 तक जो बहालियाँ हुई है, नीतीश कुमार ने ही नियम कानून बनाए हैं, और उस नियमावली को बिना निरस्त किए हुए कैसे नई नियमावली लागू की जा सकती है। और वो शिक्षक नियोजित रहेंगे और बाकी 23 के बाद राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त शिक्षक रहेंगे, तो शिक्षकों के अंदर भेदभाव की जो भावना है वो उत्पन्न होगी। ऐसे में समानता के अधिकार, समान काम के बदले समान वेतन का अधिकार, और यही वो वजह है जिसको लेकर शिक्षक संघ और शिक्षक नेता आंदोलनरत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर नियोजित शिक्षक केस हार चुके हैं। पटना हाईकोर्ट से उन्हें जीत मिली थी और उसके बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। ये मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन नई शिक्षक नियमावली जब से आई है उसको लेकर अब एक बार फिर से पुराने सभी मामले प्रकाश में आते जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस योजना को लेकर है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत स्तर पर शिक्षकों की बहाली की, जिसमें पंचायत के प्रतिनिधि के द्वारा बहाली हुई थी और ये काफ़ी विवाद का कारण बना था। ऐसे में वेतन असंगति सहित समानता के अधिकार को लेकर पटना हाईकोर्ट पहुंचे हैं शिक्षक संघ, और 29 तारीख तक यानी 29 अगस्त तक राज्य सरकार अपना जवाब देगी। राज्य सरकार बताएगी कि किन आधार पर वो काम कर रही है, कैसे वो काम कर रही है, और राज्य सरकार आगे की क्या कुछ प्लानिंग कर रही है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सनी।